नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज 9 मार्च 2024 दिन शनिवार है। आज का सूर्योदय सुबह 6:13 पर, चंद्रोदय 10 मार्च की सुबह में 6:10 पर है। सूर्यास्त शाम में 6:04 पर, चंद्रास्त शाम में 5:03 पर है। मास फाल्गुन मास है। तिथि चतुर्दशी तिथि है जो कि शाम में 6:17 तक है। उसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। योग सिद्ध योग है जो कि शाम में 8:32 तक है। उसके पश्चात साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र धनिष्ठा है जो कि सुबह में 7:55 तक है। उसके पश्चात षड्भुजा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा जो कि 10 मार्च की सुबह में 4:56 तक है। उसके पश्चात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। कर्ण वृष्टि है जो कि सुबह में 8:09 तक है। उसके पश्चात शकुनी कर्ण प्रारंभ हो जाएगा जो कि शाम में 6:17 तक है। उसके पश्चात चतुष्पाद कर्ण प्रारंभ हो जाएगा जो कि 10 मार्च की सुबह में 4:24 तक है। उसके पश्चात नाग कर्ण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र राशि कुंभ है, सूर्य राशि कुंभ है, असुर नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है। वार शनिवार है, पक्ष कृष्ण पक्ष है। ऋतु शिशिर है और अनन उत्तरायण है। शक्षमत 1945 शुभाकृत विक्रम संवत 2080 नल। आइए आज के शुभ समय के बारे में जानते हैं। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:36 से प्रारंभ होकर सुबह में 5:24 तक है और प्रातः संध्या का समय सुबह में 5 बजे से प्रारंभ होकर सुबह में 6:13 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:45 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:32 तक है। अभिजय मुहूर्त दोपहर में 2:07 से प्रारंभ होकर दोपहर में 2:54 तक है। सायं संध्या का समय शाम में 6:04 से प्रारंभ होकर शाम में 7:17 तक है और गोधूली मुहूर्त शाम में 6:02 से प्रारंभ होकर शाम में 6:26 तक है। अमृतकाल का समय रात्रि में 10:38 से प्रारंभ होकर रात्रि में 12:02 तक है। निशिता मुहूर्त का समय रात्रि में 11:44 से प्रारंभ होकर रात्रि में 12:32 तक है। आइए आज के अशुभ समय के बारे में जानते हैं। आज का राहु काल सुबह में 9:11 से प्रारंभ होकर सुबह में 10:40 तक है और गुलिक काल का समय सुबह में 6:13 से प्रारंभ होकर सुबह में 7:42 तक है। भद्रा आज पृथ्वी की है जो कि सुबह में 6:13 से प्रारंभ होकर सुबह में 8:09 तक है। पंचक आज पूरे दिन का है। अग्निवास आज आकाश में है जो कि शाम में 6:17 तक है। उसके पश्चात पाताल में है। शिववास आज शमशान में है जो कि शाम में 6:17 तक है। उसके पश्चात गौरी के साथ है। दिशाशूल आज का पूर्व दिशा का दिशाशूल है। आइए जानते हैं आज की दिन के शुभ की चौघड़िया के बारे में। पहली चौघड़िया शुभ की है जो कि सुबह में 7:42 से प्रारंभ होकर सुबह में 9:11 तक है। उसके पश्चात चर की चौघड़िया है जो कि दोपहर में 12:09 से प्रारंभ होकर दोपहर में 1:37 तक है। उसके पश्चात लाभ की चौघड़िया है जो कि दोपहर में 1:37 से प्रारंभ होकर दोपहर में 3:06 तक है, लेकिन यह वार वेला का समय रहेगा। उसके पश्चात अमृत की चौघड़िया है जो कि दोपहर में 3:06 से प्रारंभ होकर शाम में 4:35 तक है। आइए जानते हैं आज की रात्रि की शुभ की चौघड़िया के बारे में। पहली चौघड़िया लाभ की है जो कि शाम में 6:04 से प्रारंभ होकर शाम में 7:35 तक है, लेकिन यह काल रात्रि का समय रहेगा। उसके पश्चात शुभ की चौघड़िया है जो कि रात्रि में 9:06 से प्रारंभ होकर रात्रि में 10:37 तक है। उसके पश्चात अमृत की चौघड़िया है जो कि रात्रि में 10:37 से प्रारंभ होकर रात्रि में 12:08 तक है। उसके पश्चात चर की चौघड़िया है जो कि रात्रि में 12:08 से प्रारंभ होकर रात्रि में 1:39 तक है। उसके पश्चात लाभ की चौघड़िया है जो कि 10 मार्च की सुबह में 4:41 से प्रारंभ होकर सुबह में 6:12 तक है, लेकिन यह काल रात्रि का समय रहेगा। तो यह थी आज के पंचांग की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।